मेरी मोहब्बत का किस्सा बड़ा खूब था, वो जितना चालाक थी मैं उतना ही बेवकूफ था। वो मुझे देखकर यूं ही मुस्कुराती थी और मैं चुपचाप माँ के पीछे छुप जाता था। चिकोटी काट कर जब वो भागती थी मुझे, मैं लाचार सा यूं ही आंसू बहाता था। टंगड़ी लगा के वो यूं ही मुझे गिराती थी और मैं अपने गंदे कपड़ों को देख के झल्लाता था। चाहता तो दो थप्पड़ उसे लगा सकता था, चाहता तो उसे मैं भी रुला सकता था, पर जाने क्यों मैं उसे कुछ कह नहीं पाता था, उसके खिलाफ एक लफ्ज भी मैं सह नहीं पाता था। मैं बात बात पे यूं ही उससे लड़ता था। वो 16 की हो गई और मैं 12वीं में पढ़ता था। वक्त की रहमत शायद उस पे ज्यादा मेहरबान हो गई, मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ वो भी जवान हो गई। एक दिन अचानक उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैंने इस बात का जिक्र उसके अब्बू से कर दिया। उसने मुझे इजहार मोहब्बत का पैगाम दिया और मैंने प्यार से वो खत उसके अब्बू हुजूर के हाथों के नाम किया। फिर क्या था, अगले महीने मेरी बर्बादी हो गई, मैं देखता रह गया और उसकी शादी हो गई। खुदा की नियमत है, ये कुछ प्यारी सी बातें हैं। मोहब्बत के किस्से लड़कों की समझ में जरा देर से आते हैं।